आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भारी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। 92 सीटों पर कांग्रेस को पूरी तरह से मात्र 18 सीटों पर सुलझा देने वाली आम आदमी पार्टी ने अब राज्यसभा सांसद चुनने का समय आया, जिसमें हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और संजीव अरोड़ा को पूरी तरह से राज्यसभा सांसद अपने घोषित किए हैं। 92 सीटों पर 5 राज्यसभा सांसद चुने जाने थे और आम आदमी पार्टी ने इन 5 राज्यसभा सांसदों को चुना है, जिसमें अगर माने तो 1 व्यवसायी, 1 IIT प्रोफेसर और 2 एक भारतीय पूर्व क्रिकेटर और दिल्ली से MLA राघव चड्ढा, जिनको पंजाब में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा रहा था। और राघव चड्ढा को राज्यसभा सांसद बनाया गया है। क्यास लगाए जा रहे थे कि कुछ इसमें से आम आदमी पार्टी के जो है वो प्रदेश के ही होंगे, लेकिन 3 लोग इसमें बाहर से हैं। एक लुधियाना के व्यापारी हैं, अशोक मित्तल हैं, संदीप पाठक हैं, संजीव अरोड़ा हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने 5 को राज्यसभा सांसद नियुक्त किया है।